वर्ष 2001 में प्रदेश बंद का आह्वान था सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से। उसके क्रम में मोहम्मदाबाद में तहसील पर भी एक धरना प्रदर्शन हुआ 9 अगस्त 2001 को। तब तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी थे। एक मुकदमा ये पंजीकृत किया गया कि ये विधि विरुद्ध जमावड़ा 4-5 हजार लोगों का और सरकारी काम में बाधा और तोड़फोड़ हुई, उसी मुकदमे का ट्रायल यहाँ माननीय सीजीएम साहब के न्यायालय में चल रहा है। उसमें आज तारीख थी, कोई गवाह अभियोजन की तरफ से नहीं आया था, इसलिए फिर अगली तारीख 12 दिसंबर को पड़ी। आरोप लगाने वाली बात सही है या आपको गलत है, इसका फैसला न्यायालय करती है। मेरे विरुद्ध एक मामला 2005 में आरोपी बनाया गया था। उस मामले का ट्रायल दिल्ली के स्पेशल सीबीआई कोर्ट में हो गया और मुझे दोषमुक्त कर दिया गया। उस मुकदमे को आधार बनाकर एक गैंगस्टर का मुकदमा बनाया गया। अब उस गैंगस्टर का एक्ट का मुकदमा, उसका विचारण भी चल रहा है। आपने जो तमाम कहा, तमाम नहीं है, वो एक गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा जो बेस करता है 2005 वाले मुकदमे पर। हमारे देश में जो ये सब कानून है और जो एक्ट है उसमें भी, या किसी स्पेशल एक्ट में, जब बेस ही नहीं है, खुद गैंगस्टर एक्ट कोई अपराध नहीं है, आपने ये अपराध किया था इसमें आपके विरुद्ध मुकदमा कायम हुआ इसलिए आपके विरुद्ध गैंगस्टर भी चलाया जाए, तो वो बेस पैर उसके दूसरे हैं। अब वो पैर ही नहीं है, वो केस छूट चुका है, लेकिन अब चल रहा, तो उसकी न्यायिक प्रक्रिया से हमें कोई इतराज नहीं है। उसकी न्यायिक प्रक्रिया में मैं कोर्ट में उपस्थित होऊंगा और जो नियमानुसार कार्रवाई होगी, प्रक्रिया पूरी होगी। मैं हाईकोर्ट में भी गया हूं इसके लिए कि अब ये मुकदमा नहीं चलना चाहिए, और उसमें भी संभवतः 14 तारीख लगी है माननीय उच्च न्यायालय में इस पर सरकार को जवाब देने के लिए। माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है तो आएगा जवाब, फिर 14 को हमारे वकील भी बहस करेंगे अपने वो तर्क और नजरिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, नई वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।